यही कहानी दुख भरी यादों के साथ शुरू हुआ। क्लास 9 के रिजल्ट ने इतना दिल दुखाया कि मानो सारी खुशियां ही मुझसे दूर चली गई थी। पापा ने इतना डांटा कि मानो सारे जो उनके खुशी वाले पल थे ना, वो सब चले गए। अरे ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया मेरे ऊपर और मैंने क्या लाया, बस चंद सा परसेंटेज। यार उनको थोड़ा अच्छे परसेंटेज चाहिए था, और मैंने भी यही प्रण लिया कि अगले क्लास यानी कि क्लास 10 में कुछ अच्छा कर दिखाना है, कुछ पापा के लिए कुछ बड़ा बनकर दिखाना है। तो फिर मैंने वैसे ही तैयारी शुरू कर दी। भले ही 89.8% ने मेरे दिल को इतना दुखाया, 89.8% ने, उस दिन मैंने प्रण ले लिया कि अब ये ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो उसी के दौरान मैंने 4 अप्रैल को नए कॉपी किताबों के साथ स्कूल गया। माय स्कूल नेम इज आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी। नए नए टीचर्स ने मुझे प्रोत्साहित किया यानी आगे बढ़ने की हिम्मत दी, हमें नए नए कॉन्सेप्ट को सिखाया। बट ये नहीं पता था कि फिर कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन लग गया, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, महीनों तक रहा। फिर हमने भी क्या किया, हमने रुका नहीं। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला जो आप देख ही रहे हो, उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी टिप्स, स्ट्रैटेजीज और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। इससे दिन बीतते गया और टारगेटेड सिलेबस को कम्प्लीट किया। हर महीने के लिए सिलेबस रखा था कि आज इस महीने में ये कर रहे हैं। अरे यार उसी दौरान ना भी मेरा घर बन रहा था, और मैं अपना घर को आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा, और ये देख रहे हो कि घर बन रहा था मेरा, और अब कुछ इस प्रकार है घर मेरा। तो क्या हुआ कि घर बनने के दौरान कई कामें भी थी। पापा के साथ मैं 9 माइल एक जगह है वहाँ से सामान लाया भी करता था। ये यादें कभी मिटेगी नहीं, सदा दिल में बसी रहेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बाद अब ऑफलाइन की बारी थी। अब क्या करें, अब इतना भी ना पता था कि रिटर्न होगा कि MCQ होगा, कुछ नहीं पता था हमें। CBSE ने कुछ महीनों बाद उसका भी नोटिस जारी कर दिया। हुआ ऐलान कि 2 एग्ज़ामिनेशन होगी, Term 1 और Term 2। अरे हम तो पूरे डर गए थे, हम इतिहास दोहराने वाले थे। जो एग्ज़ाम 2010 से 15 के बीच में हुआ करता था, 2 टर्म्स के एग्ज़ामिनेशन, हम वो 2022 में फिर दोहराएंगे, क्या बात है। फिर हमने भी उसकी तैयारी शुरू कर दी। अरे अनेक किताबों का यूज़ किया हमने, हर किताबों से ये चाहत थे कि अब कॉन्सेप्ट को धरे, ना कि क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारे। अब बस यही करते करते दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और एग्ज़ामिनेशन हमारे हाथों तले आ चुका था। अब एग्ज़ाम थे 23 नवंबर से, यानी कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। MCQ की हज़ारों सवालों को हमने जो प्रैक्टिस किया, हमें काफ़ी मदद किया, बट इतना नहीं पता था जो सवाल हमने प्रैक्टिस लगाए उस तरीका का तो CBSE पूछेगा नहीं। उसने तो अलग ही प्रकार के कॉन्सेप्चुअल बेस पूछ दिए, जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे थे। अरे यार फिर हम भी ना पढ़ रखे थे ना यार, हम कमज़ोर थोड़ी है, हम भी पढ़ रखे थे। पढ़ने के बाद जो हमने एग्ज़ाम दिया, भले ही हमें दिल दुखाया, ऐसा लगा यार इस बार तो खड़ा, अब 10th बर्बाद, बट कुछ बोनस मार्क्स और कुछ ऐसे ही फ्री के मार्क्स ने जान बचा लिया। यानी कि क्वेश्चंस भी गलत थे ना कुछ कुछ पेपर में, उसके वजह से बोनस मार्क्स की वजह से जो एक्सपेक्टेशन था उसके अबव मिल गया। और पता नहीं हमारे स्कूल में तो चीटिंग हुआ नहीं, बट कितने स्कूल में हुआ उसकी मुझे तो ठीक से पता नहीं। बट इतना मैं कह रहा हूँ, ये जो Term 1 का एग्ज़ाम था, ऐसा लग रहा था कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और मैंने चीटिंग तो बिल्कुल नहीं की, और मैं करता भी नहीं हूँ। अब उसके बाद क्या था, Term 1 के आखिरी एग्ज़ाम के दिन जो इंग्लिश था, तारीख भी मुझे याद है, 11 दिसंबर, ऑलमोस्ट यही तारीख था। और 10 दिसंबर को मेरे घर प्रवेश का पूजा था, जो मेरा नया घर बना था। साल भर घर बनने के बाद अब इसकी पूजा भी थी। घर का बड़ा बेटा होने के कारण मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, कोई साथ नहीं था, बस एक छोटा भाई, मैं, पिताजी और माता, और कुछ मेरे दोस्तों की मम्मियाँ थी। अब क्या करें, बड़ी मम्मी पापा तो आए नहीं उस दिन, भले ही रात को आए वो अलग कहानी है। बात ये थी कि अगले दिन एग्ज़ाम है, और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं था कि रिवाइज कर सकूं। पूरा दिन पूजा में और शाम को भोजन प्रदान करने में किया व्यर्थ समय। बस एक ही लड़का था मेरे साथ, और उसका नाम था बाबुल। उसने पूरा दिन मेरे साथ रहकर मेरे कामों में मदद किया। फिर क्या करें यार, एग्ज़ाम भी दिया, इंग्लिश का खैर उतना अच्छा नहीं गया, जिसके वजह से 40 में से 36 आया तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, क्योंकि बोनस मार्क्स मिल गए। अब क्या करें, अब थी तैयारी Term 2 की।
जो हमारी जिंदगी की दूसरी एग्जाम थी एक ही क्लास में, वो भी बोर्ड्स के दौरान। ऐसा कभी किसी ने दिया नहीं था। हम इतिहास दोहरा रहे थे 2010 या 15 के दौरान। अब क्या करें, अब सब्जेक्टिव के लिए लगाना था। जो एमसीक्यू के लिए हमने 7 से 8 महीने पढ़े, अब वो टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए हमें बस 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना था। बट हम क्या, हम रुकने वाले में से नहीं थे। हमने भी ठान ली, यार जो होगा सो देखा जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने इतना अड़ा करके पढ़ाई किया, भले वो यूट्यूब के वीडियोस हो या फिर क्लासरूम की वो एक्सप्लेनेशन, अभी भी याद है। कड़ी कठोर मेहनत के बाद हार्ड हार्ड चैप्टर्स को टैकल किया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर फिजिक्स में हमने टैकल किया, और बायोलॉजी में हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स को टैकल किया। भले ही कुछ सिलेबस के पार्ट डिलीटेड थे, उससे फ़ायदा तो हुआ बट नुकसान भी है। अब 11th में जाने वाले हैं तो उनको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसी दौरान प्री बोर्ड्स का समय था, और ये याद भरे दिनों में और यादों को ताज़ा और अच्छा करने का, यानी कि मेरी दादी आई। वो गांव से मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ यहाँ पर आए, यानी कि मेरे पिताजी के बड़े भैया के साथ यहाँ पर आए। खैर, उन्होंने तो अपना जितने भी दिन थे काफ़ी दिन मेरे घर में ही बिताया, और इसका वीडियोज़ भी यूट्यूब पर मैंने इस चैनल में डाला। अब खुशी इतनी सी थी कि दादी का साथ और खुशियाँ सब एक साथ चल रहा था। एग्ज़ामिनेशन भी थी, रोज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले दादी को बताता कि दादी माँ आज मेरा ये एग्ज़ाम है, और उनके रोज़ के आशीर्वाद से मेरा दिल और तन मन सब खुश हो जाता था। इतना खुश होता है। खैर, वो 90 साल की है अभी, अब कुछ ठीक नहीं है। अभी फ़िलहाल वो गाँव गई है, और फिर वो गांव जब गई, पता है जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन जो आखिरी एग्ज़ाम थी, उसके अगले दिन सुबह 5 बजे, वाह क्या कोइंसिडेंस था, टर्म टू की प्री बोर्ड शुरू होने के एक दिन पहले आई, और एक दिन बाद टर्म 2 के फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद चली गई। खैर, ये 3 महीने की यादें बहुत यादगार रहेगी, पर ये 360 दिनों की यादें कुछ ज़्यादा ही यादगार रहेगी। और इन यादों में 4 चांद लगा दिए तब जब हमारी दादी ने हमारा साथ दिया। उनकी हर उनसे मैं रोज़ आशीर्वाद लिया करता था एग्ज़ाम जाने से पहले, और वो जो खुशी थी ना यार, उसको शब्दों में जाहिर ना कर सकता। आपको भी पता है कि हमने कितना मेहनत किया, बट अब कुछ नहीं पता। टर्म 1 का जो रिज़ल्ट आया 94.5% आया, और ये भी कब आया, जब मार्च के महीने में टर्म 2 की प्रिपरेशन चल रही थी। खुशी तो अलग ही लेवल पे थी, बट अब तो खुशी को और बढ़ाने की कोशिश की जाने लगी। अब सोचा हमने कि टर्म 2 की प्रिपरेशन ऐसा करते हैं कि जो 94.5 है कम से कम 96 चली जाए। और इसी तरह हमने खैर खूब मेहनत की, और 18 दिनों के एग्जामिनेशन की, बिकॉज बहुत सारे गैपिंग्स मिले थे, हमने ये एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। और ये जो क्लास 10 की 360 दिनों की यादें हैं ना, ये 360 सेकंड्स में खैर बहुत यादगार रहेगी, और आपको भी बहुत ही यादगार रहने वाली है। आप भी कुछ रिलेट कर पाओगे, और भविष्य में मैं ये वीडियो को देख के अपने दिल को संतुष्ट करूँगा। और आगे मैंने सोचा है कि क्लास 11th में मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्लास 11th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इवन बायोलॉजी भी लूँगा, जिसमें से मैथमेटिक्स मैं ऑप्शनल के तौर पे लूँगा, बिकॉज एक यही तो सब्जेक्ट है जो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं भाई, और मुझे अच्छा लगता है, भले ही इसमें थोड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो फॉर द टाइम आई एम एन PCMB एस्पिरेंट एंड आई विल बी गिविंग नीट एंड JEE बोथ। माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विल बी फोकसिंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑन द लेवल ऑफ JEE मेन्स एडवांस एंड बायो ऑन द लेवल ऑफ नीट। सो मेहनत तो खैर करनी पड़ेगी, बट हार नहीं मानेंगे दोस्तों, आग लगा देंगे।